गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर् साक्षात् महेश्वरा गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शतं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोह पीतवामभागं पाणौ महासायक चारुचापं नमामि रामौ रघुवंशनाथ श्रीरामाय रामभद्राय रामचन्द्राय मानसे रघुनाथाय नाथाय श्रीसीताय पतये नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजवानर्यूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निरविघ्नो कुरु मे देव सर्वकारेषु सर्वदा। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणत्रयम्बके गौरि नारायणे नमोऽस्तु ते। निहारहार घनसार सुधाकराभा कल्याणदां कनकचम्पकदां भूषां उदुङ्गपीनकुचकुम्भमनोहराङ्गि वाणीं नमामि मनसा वचसा विभूते। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। व्रजे प्रसिद्धनवनीतचोरं गोपाङ्गनानां सुदुकूलचोरं अनेकजनमार्जितपापचोरं चोराग्रगण्यं शिरसा नमामि। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोपत्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सीय राम मैं सब जग जाने करौं प्रणाम जोरि जुग पाने। अब प्रभु कृपा करो एहि भांति सब तजि भजन करो दिन राति। राजा राम जानकी रानी आनंद अवध अवध रजधानी गुरु पितु मातु महेश भवानी प्रणवौ दीन बंधु दीन दानी। जय 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 हनुमान गुसाई कृपा करो गुरुदेव की नानी। हमने अपने आप की प्रभु दे दिया आप को डोर अब आगे मर्जी आपकी
चाहे ले जाओ जिस ये तन विष की बेलरी और गुरु अमृत की खान शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्तो जान श्री गुरु गोविंद दो खड़े ओ काके लागो पान बलिहारी श्री गुरुदेव की जिन गोविंद दियो मिला बार बार बर मांगू हर सिदे हु श्री रंग पद सरोज अनुपायनी भक्ति सदा सत्संग श्री राधे मेरी स्वामिनी ओ राधे को दास जन्म जन्म मोहि दे जियो श्री वृंदावन को वास श्री वृंदावन सो बन लगी अरु नंद गाम सो गाम श्री कालिंदी सो तट नहीं और कृष्ण नाम सो नाम श्री बंसी बट सो बट नहीं नहीं कल्प तरु छाम जिन मोयो मन श्याम को मोहन बसवाता बोलिए राजा रामचंद्र महाराज की जय पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय उमापति महादेव की जय जगदम्बा भवानी की जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय अपने अपने मात पिता सतगुरुदेव भगवान की जय सत्य सनातन धर्म की जय नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव श्री अमरनाथ बर्फानी सेवा दल के इस प्रांगण में आज पिछले 7 दिनों से चल रही इस पावन उत्तरकांड की कथा का पारायण है। और सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं बहुत बहुत बधाई जिनके द्वारा रचित ये पावन कथा आप हम श्रवण कर रहे हैं। आज उस रचयिता श्रीमद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का आज जयंती समारोह है, आज तुलसी जयंती। और मैं सच बताऊं व्यासपीठ से झूठ बोलना बड़ा अपराध होता है। आज मेरे मन के किसी कोने में एक बात थी कि बाबा आज आपकी जयंती है, हे हनुमान जी महाराज आज ऐसी कृपा करना कि जब व्यासपीठ पे बैठे तो कोई जो हमारे सनातन की वेशभूषा है उस संत माने में कोई संत आके विराजमान हो जाए बस। और ऐसी कृपा की आज हमारे हनुमान जी महाराज ने, हमारे भोलेनाथ ने। व्यास पीठ पर आते ही हमारे संत शिरोमणि का पदार्पण हो गया है। ये बहुत बड़ी कृपा है, बहुत बड़ी कृपा है। और गोस्वामी जी जैसे वो सिर पे टोपी पहना करते थे ठीक वैसे हमारे बाबा ने भी पहन रखी। तो एक ये अचानक नहीं होता, ये सब मेरे ठाकुर की कृपा है, वो ऐसी व्यवस्था कर देते हैं। तो सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और भगवान भोलेनाथ के अनन्य उपासकों की जो जमात मेरे सामने बैठी है उनके जंगमों के रूप में आप सबको भी कोटानुकोट प्रणाम है। महाराज जी को भी बहुत बहुत नमन व्यासपीठ से। और सब सारे संसार के क्योंकि ये कथा हालांकि गोस्वामी जी ने कहा है स्वंता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, अपने अंतःकरण के आनंद के लिए गोस्वामी जी ने लिखा। लेकिन यही तो भगवत कृपा है, यही तो संत कृपा है कि संत अपने लिए भी जो कुछ करता है वो पूरी सृष्टि के लिए लाभदायक हो जाता है।
संत का किया हुआ कार्य पूरी सृष्टि को आनंद देता है, भगवान की ओर बढ़ाता है। तो आज इस पंडाल में मुझे एक शख्सियत और भी याद आ रही है। वो शरीर हमारे बीच में नहीं रहा, क्योंकि मृत्यु लोक का नियम है, शरीर तो सदा रहेंगे नहीं भाई, इनको तो जाना ही होता है। लेकिन अपने द्वारा ऐसा कोई कर्म हो जाए, जो ठाकुर जी ने जितनी सांसें दी हैं, उन सांसों के रहते हुए इस शरीर को माध्यम बना करके ऐसी सेवाएं हो जाएं, ऐसे सत्कर्म हो जाएं, ऐसा परोपकार हो जाए कि लोग पीढ़ियों तक याद रखें। उन्हीं में से एक वर नाम है, वर पुरुष कहूंगा, श्रेष्ठ पुरुष कहूंगा, हमारे पूर्व प्रधान जी श्यामलाल जी। ऐसी दिव्य आत्मा और दिव्यता के साथ साथ ऐसा एक मजबूत हृदय वाला जीवट इंसान, कमाल की बात है। जब 2 साल पहले कथा हुई, इतनी तकलीफ, उनको नलकी भी लगी हुई, थैली भी लटकी हुई, और क्या कह रहे हैं, मेरे चारपाई यहां लगा दो, मैं कथा जरूर सुनूंगा, घर से चारपाई यहां लगवा दो गुरुजी, मैं कथा सुनूंगा। ऐसा अनन्य प्रेमी राघवेंद्र सरकार का मेरे प्रभु के चरणों में चले गए, तो मैं तो यहाँ व्यासपीठ से यही प्रार्थना करता हूँ मेरे गोविंद से, मेरे ठाकुर से, कि सदैव ऐसी दिव्य आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे महाराज। और पीछे जो उनका परिवार है, उन बच्चों को, उनके पोतों पोतियों को ये संस्कार मिले कि वो अपने पिता की तरह, अपने दादा की तरह, इसी तरह समाज के अंदर सेवा भी करें, परोपकार भी करें, और खूब यश और नाम की वृद्धि करें। आइए राम स्तुति से प्रारंभ करते हैं। समय का तो आज बड़ा, जो आरती का समय वो तो हो गया, और यहां से प्रारंभ हो रहा है। सब गोविंद की मर्जी, जो ठाकुर की इच्छा। श्री राम चंद्र कृपालु भजब हरण भव भय दारु, श्री राम चंद्र कृपालु भजब हरण भव भय दारु, नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारो, श्री राम श्री राम श्री राम। छवि नव नील नीरज सुंदरम पट पीत मानहु तरित रुचि शुचि नामे जनक सुतावर, श्री राम श्री राम श्री राम। भज दीन बंधु दिनेश भज दीन बंधु, भज दीन भज दीन भज दीन भज दीन भज दीन भज
को सर चंद दशरथ नंदन श्री राम चाप धर संग्राम जीत कर दूषण श्री राम श्री राम श्री राम श्री रामचंद्र महाराज की जय। तासु सुजस को कहि सके जाउर राम निवास ते हनुमंत हिनाय सिर के जय कथा प्रकाश मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहार मोरे मने प्रभु अस विश्वास राम ते
अधिक राम कर दास। राम सिंधु घन सज्जन धीरा, चंदन तरु हरि संत समीरा। सब कर फल हरि भगति सुहाई, सो बिनु संतन काहू पाई। अस बिचारी जोई कर सत्संगा, राम भगत ते ही सुलभ विहंगा। कथानक तो बहुत लंबा चौड़ा है महाराज, आधा घंटा में तो बात नहीं बनेगी, लेकिन जो ठाकुर की इच्छा, जो सतगुरुदेव की कृपा से, बड़ा संक्षिप्त चलेंगे, बहुत संक्षिप्त। भुशुंडी बाबा गरुड़ जी महाराज को एक बात अंत में, सारी कथा सारी शंकाओं का समाधान करने के बाद जैसे कहते हैं ना कि सारी बात कहने के बाद एक संकेत किया जाता है कि फुल स्टॉप होता है, तो एक निष्कर्ष निकाला जाता है। जैसे कोई कहानी लिखता है तो उसका एक नीचे निष्कर्ष निकाला जाता है। भुशुंडी बाबा ने एक निष्कर्ष दिया है कि गरुड़ जी एक बात आप हृदय में धारण कर लो, भगवान की कृपा का दर्शन, भगवान की कृपा का अनुभव तभी समझ लेना जब आपको जीवन में संत दर्शन हो जाए। ये संत और भगवान, संत और भगवंत एक दूसरे के पूरक हैं। संत मिले तो भगवान मिले, और भगवान कृपा करे तो संत मिले। संत मिल जाए तो समझ लेना भगवान को मिलने की घड़ी नजदीक आ रही है। और संत कैसे मिले तुम्हें? भगवान ने कृपा करी तो तुम्हें संत दर्शन हुआ। मोरे मन प्रभु अस विश्वासा। हे गरुड़ जी महाराज, हे बहनते, मेरे मन में इतना दृढ़ विश्वास है कि राम ते अधिक राम कर दासा। राम जी से भी अधिक प्रमाणित अगर कोई बात कह सकता है तो वो भगवान का ही कोई प्यारा, भगवान का ही कोई दास, भगवान का ही कोई संत शिरोमणि। राम ते अधिक राम कर दासा। राम सिंधु घन सज्जन धीरा। अगर राम जी समुद्र हैं तो संत क्या हैं? बादल हैं। और बादलों, अच्छा बादल कैसे बनते हैं जरा सोचो। ये दो दिखते हैं कि संत और भगवान दो हैं। सुनना जरा, चौपाई की गहराई देखिए। ये लगता है कि दो हैं भाई, एक तो इस मृत्यु लोक में नजर आ रहा है और एक सब जगह होते हुए भी नजर नहीं आ रहा है। दोनों की विशेषता क्या है? भगवान हर जगह है पर दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन संत हमारे पास हैं, दिख भी रहे हैं। लेकिन भगवान में और संत में क्या फर्क है? फर्क लगते हुए भी फर्क नहीं है। जरा सोचो, बादल किससे बनता है? राम सिंधु समुद्र से उठने वाली जल की ही प्रक्रिया से बादल बनते हैं हमारा। तो राम अगर समुद्र है तो संत है बादल। अब समुद्र हर जगह नहीं जा सकता, जल की सत्ता हर जगह है, लेकिन अगर समुद्र नाम दे दे तो समुद्र नाम हर जगह नहीं जा सकता, जल हर जगह जा सकता है। तो जल को राम रूपी और राम कृपा रूपी जल को अगर भगवान से उठा करके जनमानस तक कोई छिड़कता है तो वो संत रूपी बादल छिड़कता है। राम सिंधु घन सज्जन पीरा। जो सज्जन धीर पुरुष हैं, जो संत पुरुष हैं, वो भगवान का ही संदेश लेकर के, भगवान की ही कृपा लेकर के बादल बनकर इस जल वृष्टि कर जाते हैं हमारा, जल वृष्टि कर जाते हैं। संत आए तो समझ लेना राम कृपा का बादल आ गया, और वो कोई वाणी से कह दे तो समझ लेना राम कृपा की अमृत बरसा के चला गया। राम सिंधु
घन सज्जन धीरा और चंदन तरु हरि। हरि क्या है? नारायण क्या है? मेरे प्रभु क्या है? बोले वो चंदन के वृक्ष है। अब वृक्ष तो एक जगह रहेगा ना, वृक्ष तो एक जगह स्थापित है। अगर भगवान चंदन के वृक्ष हैं तो संत क्या है? बोले समीर। अच्छा एक बात बताओ, कहीं कहीं चंदन का वृक्ष लगा हो, एक किलोमीटर में कहीं लगा हो, तो उसके इर्द गिर्द कोई 100 फीट में तो खुशबू आएगी, लेकिन क्या शहर में आएगी? नहीं आएगी। लेकिन उधर की हवा चल जाए, जिधर चंदन के वृक्ष लगे हो उधर की हवा तुम्हारे तक आनी शुरू हो जाए तेजी से, तो बताओ खुशबू आएगी कि नहीं आएगी, महक आएगी कि नहीं आएगी। तो भगवान अगर चंदन के वृक्ष हैं तो सुनो सावधानी से, संत वो हवा है जो भगवान की महक आप तक पहुंचा देते हैं, भगवान की खुशबू आप तक पहुंचा देते हैं। संत वो है, समीर है, हवा है, पवन है। भगवान के ही काम को आगे बढ़ाने के लिए संत आते हैं इस धरती पर। सब कर फल हरि भगति सुहाई, जितने साधन वेदों में बताए गए हैं सब का फल केवल भगवान की भक्ति है। और वो भगवान की भक्ति कब मिलेगी? बिनु किसी संत के बिना, सो बिनु संत न काहू पाई। वो भगवान की अनुपायनी भक्ति संत कृपा के बिना जीवन में नहीं उतरेगी। आगे कथा इसी कथा में आएगा। अंतिम जो चौपाइयां हैं उनके बीच में भगवान की पावन कथा सुन करके, संत महिमा सुन करके गरुड़ जी महाराज बड़े धन्य हुए, कहने लगे उनी सा प्रेम बोले उखग राहू, जो कृपाल मोहि ऊपर भाऊ। और भुशुंडी बाबा अपनी धुन में कह रहे हैं ब्रह्म पयो निधि मंदर ज्ञान संत सुर आही, और कथा सुधा मति काढ़ी है भगति मधुरता जा। वेद तो समुद्र है और ज्ञान उस मंदराचल पर्वत के समान है। समुद्र मंथन हुआ था ना, तो मंदराचल पर्वत के द्वारा समुद्र मंथन हुआ, तो वेद भगवान वेद तो है समुद्र, और ज्ञान जो है वो मंदराचल पर्वत है, और संत वे देवताएं जो उस नेति को खींच रहे हैं, और उस समुद्र को मथ करके संतों ने क्या निकाला? वो भक्ति रूपी जो अमृत था वो निकाल करके सबके लिए रख दिया है महाराज, सबके लिए।